पिछले एपिसोड में हम पीनिंग पर चर्चा कर रहे थे और उसी कड़ी का अगला भाग है होनिंग। तो आइए आज देखें पीनिंग के बाद होनिंग कैसे करी जाती है। बाद धार बंद तो जाती है पर वो तेज नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीनिंग के दौरान धार बीच वाली पिन से रगड़ खाती रहती है और इसलिए धार में वैसी तेजी नहीं रह जाती। इसीलिए पीनिंग के बाद धार पर सान चढ़ानी पड़ती है और इस प्रक्रिया को होनिंग कहते हैं। होनिंग करने के लिए किट में दिए गए काले और सफ़ेद पत्थर का बारी बारी से इस्तेमाल किया जाता है। होनिंग करने से पहले ब्लेड को सुविधा अनुसार साध लेना चाहिए। नॉर्मली टैंक को बाएं हाथ में पकड़ते हैं और पत्थर को दाएं हाथ में। पहले स्टेप में ब्लेड के ऊपरी हिस्से को होन किया जाता है। काले पत्थर को लेकर दबाव बनाते हुए बाएं से दाएं कोने तक सान चढ़ाई जाती है और हर स्ट्रोक में ओवरलैप का ध्यान दिया जाता है। इस स्टेप को करते वक्त पत्थर को हमेशा डायगनली चलाना है। ओवरलैपिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। ये स्टेप खत्म होने के बाद आप देखेंगे कि ब्लेड के पिछली सतह में एक रेशा महसूस होने लगेगा। अगर ये रेशा ब्लेड के पूरी लंबाई में महसूस होने लगे तो समझ लें कि ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। अगले स्टेप में ब्लेड को पलट लें और उसके बैक साइड में होनिंग करना शुरू कर दें। कुछ हल्के स्ट्रोक्स मारने के बाद रेशा वापस उल्टी तरफ पलट जाएगा। अब स्टेप वन और स्टेप टू को सफ़ेद पत्थर के साथ एक बार दोहरा लें। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि काले पत्थर से कोर्स घिसाई होती है और इससे थोड़ी फाइन घिसाई हो जाएगी। आखिरी स्टेप में इस रेशे को ख़त्म करने के लिए एकदम एक नई टेक्निक का प्रयोग करेंगे और इस बार ब्लेड को थोड़ा खड़ा करके सफ़ेद पत्थर से घिसाई करेंगे। ये स्ट्रोक बहुत इत्मीनान से लगाए जाएं और ओवरलैपिंग का ध्यान दिया जाए। रेशा ख़त्म होने के बाद सफ़ेद पत्थर से बस एक आखिरी स्ट्रोक लगाने की देर है और ये आखिरी स्ट्रोक लगाते ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और देखते ही देखते अपना ये ब्लेड खेत में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया है। सही टेक्निक और भरपूर अभ्यास के साथ ये सारे स्टेप एक मिनट या उससे कम में भी किए जा सकते हैं। इसी के साथ हम इस सीरीज़ के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। अगले एपिसोड में हम फसल कटाई की ट्रेनिंग शुरू करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।